प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है यदि जिसको मैं अपने जीवन में अपनाऊं तो मुझे अपने जीवन में सफलताएं मिले। और ऐसी कामना करना कोई गलत भी नहीं है और दुनिया का हर इंसान यही चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे रिजल्ट हमारी आशाओं के अनुरूप कई बार नहीं होते हैं। तब हमें लगता है कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है या हम समय को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अंदर किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आखिर क्या है? दर्शकों, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हम सब के पास में तीन अवस्थाएं हमें जरूर मिली हैं। पहली, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। यानी ये तीन परिस्थितियां हम अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं कि या तो हमने भूतकाल में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, या भूतकाल हमारा अच्छा था जिसकी वजह से वर्तमान को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा भविष्य की बात करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या भूतकाल में रहना सही है या वर्तमान में रहना सही है, या भविष्य के बारे में सोच करके वर्तमान में कार्य करना यह सही है? दर्शकों, इन तीन चीजों पर ही हमारे किसी भी कार्य की सफलता और असफलता निर्भर करती है। एक चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो भूतकाल है वो कभी भी हमारे जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आए। ऐसे में हमें अपने भूतकाल की कोई भी परछाई अपने जीवन पर नहीं पड़ने देनी चाहिए। जीवन में सफलता का पहला सूत्र यही है। दूसरा, जो भविष्य हम देखते हैं उस भविष्य को देखना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के आधार पर जब हम वर्तमान में कुछ योजनाएं बनाते हैं तो उसके अंदर समय के आधार पर कुछ परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। क्या हम उन परिवर्तनों को करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारी सफलता का परसेंटेज फिर बढ़ जाता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए आपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई, लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिन्होंने आपकी उस परिस्थिति को बिल्कुल बदल कर रख दिया, तो क्या आप अब भी अपने भविष्य की उन्हीं योजनाओं पर काम करेंगे? जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, आपने भविष्य की बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन कोविड आ गया और कोविड ने आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो आप पहले किसी और तरीके से देखते थे, लेकिन कोविड के बाद आपकी परिस्थितियां बदली हैं और अब आपका भविष्य को लेकर के नजरिया भी बदला है। ऐसे में यदि आप अपने वर्तमान के अंदर उन योजनाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो भविष्य के वो गोल आपके पूरे बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भविष्य के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको वर्तमान के अंदर उसके अंदर जो जरूरी सुधार हैं वो भी आपको अवश्य करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को बहुत ही आसानी से चढ़ पाएंगे। अब दर्शकों, बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि वर्तमान समय आपको क्या दे रहा है। दर्शकों, जीवन में 99% लोग या तो भूतकाल से ग्रसित होते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए होते हैं, लेकिन वर्तमान को नहीं देखते कि वर्तमान समय उनको क्या करने के लिए कह रहा है। दर्शकों, जीवन में हमें केवल एक ही चीज मिली है और वो है वर्तमान, क्योंकि जो वर्तमान है वही कल हमारा भूतकाल होगा और जो कल है वो आज के दिन हमारा भविष्य है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसी से आपका भूत और भविष्य तय होता है। अगर मान लीजिए मैं आम खाना चाहता हूं और मुझे मार्केट से खरीदने भी नहीं है, तो मुझे अपने आंगन में आम का पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। अब भविष्य में मुझे आम चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे वर्तमान में आम का पौधा लगाना पड़ेगा। यदि आज मैं वर्तमान में आम का पौधा लगा रहा हूं तो कल मेरा
भूतकाल मुझे कहेगा कि मैंने उस समय पर आम का बगीचा लगाया, आम का पौधा लगाया तो मुझे आम का पेड़ मिला, और भविष्य में मुझे आम मिले इसकी भी मैंने प्लानिंग वर्तमान में ही की है। यानी वर्तमान हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वर्तमान को देख करके जो व्यक्ति जीवन के अंदर अपने कार्य की दिशा को निर्धारित करता है वही जीवन में कामयाबी को भी प्राप्त करता है। एक छोटे से उदाहरण से समझें, हम इसी चैनल पर पहले आपसे हफ्ते में एक बार मिला करते थे, लेकिन वर्तमान समय को हमने देखा, आप लोगों की क्वेरीज को देखा, आप लोगों की जिज्ञासा को जब हमने देखा तो हमने हमारे इस चैनल पर डेली वीडियो लाना शुरू किया। लेकिन फिर हमने देखा बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना डेली रूटीन भी ठीक करना है, वो लोग अपना राशिफल या लग्नफल भी चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी कुंडलियां नहीं पता है लेकिन वो हमारे चैनल पर बहुत आशा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो हमने दैनिक लग्नफल भी आरंभ किया। अब हमारे डेली दो एपिसोड आते हैं। आप समझ सकते हैं डेली के दो एपिसोड देना कितना मुश्किल काम है, कितना समय चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो आपके लिए अवश्य करते हैं क्योंकि ये वर्तमान की मांग है। अब भूतकाल में हमने देखा कि आप लोगों को क्या चाहिए, वर्तमान में हमने प्रयास किया कि हम वो कार्य आपको करके दें, तो भविष्य ये कहता है कि आप इस चैनल पर और बहुत सारे नए लोगों को जुड़ता हुआ देखेंगे। यानी भविष्य की रूपरेखा वर्तमान को देख करके तय होती है, और यही हमारी जीवन के अंदर सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके एक साल के बाद एग्जाम है तो आज आप उसकी पढ़ाई की तैयारी करते हैं और एक साल लगातार मेहनत करते हैं, तभी आप उस रिजल्ट को प्राप्त करते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। यानी भविष्य का फल वर्तमान में रह करके आपने तय किया है। लेकिन यदि मान लीजिए पिछले साल आपके कुछ कमियां थी और आप उसी डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप आज की तैयारी को भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भूतकाल के अनुभव को आप अपने जीवन में शामिल कीजिए वर्तमान को सुधारने के लिए, और भविष्य की योजनाओं पर वर्तमान में काम कीजिए। वर्तमान परिस्थितियां कैसे आपको भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में सहायक बने उस पर यदि आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे ही होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सफलता की सबसे बड़ी पूंजी भी यही है। इसीलिए दर्शकों, जो लोग जीवन के अंदर वर्तमान का महत्व समझते हैं सबसे ज्यादा जीवन में सफल भी वही लोग होते हैं, क्योंकि वर्तमान से ही भूत और भविष्य का निर्माण हुआ है। इसीलिए दर्शकों, हमेशा वर्तमान को ध्यान में रखकर अपनी कार्य योजना बनाइए, आपको जीवन में सफलताएं अवश्य मिलेंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।